हेलो फ्रेंड्स, अभी मंटू एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइप जॉइंट पर आधारित है। पाइप जॉइंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एल्बो, सॉकेट, रिड्यूसर, क्रॉस, टी, इसी प्रकार होता है फ्लैंज जॉइंट। ये फ्लैंज जॉइंट दो बड़े बड़े पाइपों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैंज जॉइंट और फ्लैंज कपलिंग दो अलग चीज़ें हैं। जॉइंट का मतलब ये होता है कि पाइपों को जोड़ना है, जबकि अगर यहीं पर कपलिंग शब्द का यूज हुआ होता तो उसका मतलब होता है दो शाफ्टों को जोड़ना। तो हमें बात करनी है केवल फ्लैंज जॉइंट की, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्री हैंड और असेंबली दोनों के तौर पर पूछा जाता है। तो अगर आपको ड्राइंग बनाने आती है तो आप बना लेंगे। तो बात करते हैं इसके डायमेंशन की। ये देखिए कैसा होता है। सबसे पहले ये इसकी जो टोटल डायमेंशन है 225 होती है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो बाहरी डायमेंशन। इसकी फ्लैंज की पहली फ्लैंज की थिकनेस 22, सेकंड की भी 22। इसमें चार बोल्ट लगे होते हैं, दो एक ये और एक ये आपको दिखाई दे रहा है, दो ये वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो ये दो बोल्ट का आधा आधा दिखाई दे रहा है पोर्शन, हाफ सेक्शन बना रहे हैं तो इसलिए हैचिंग लाइन है। ये 4 बोल्ट है 16.5 175 PCD। PCD का मतलब होता है पिच सर्कल डाया। साथ ही ये जो पाइप का यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है ये 160 का है, मतलब 116 का है। और साथ ही ये जो इसका अंदर का डाया है वो 100 का है। ये 6 बोल्ट 4 बोल्ट लगे हुए हैं और 3 mm का इसमें गैस्केट रबड़ या लेदर का होता है, जो कि पाइप पानी को लीक होने से बचाता है। आइए अब इसको देखते हैं। आइए बात करते हैं फ्लैंज जॉइंट बनाने के लिए। फ्लैंज जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहला काम, हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। ये देखिए जो हम खींच रहे हैं सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन से ही हम सारे डिस्टेंस को लेकर प्रेफरेंस मानकर जितने भी डायमेंशन होंगे, डिस्टेंस होंगे, उन सबको लेंगे, जिससे कि बनाने में आसानी होगी। ये हमने एक सेंटर लाइन खींच लिया। अब इस सेंटर लाइन के इस पॉइंट को हम एक सेंटर के तरीके से लेते हैं और यहाँ पर वर्टिकल सेंटर लाइन खींच देते हैं। इसको हम वर्टिकल सेंटर लाइन खींच देते हैं। इसी पॉइंट से हम सारी डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। जब आप सेंटर लाइन खींच लें, उसके पश्चात फ्लैंज जॉइंट में एक पाइप होता है, दो पाइपों को जोड़ा जाता है जिनके बीच में एक गैस्केट लगा होता है तथा 6 बोल्टें होती हैं। ये हमने आपको पहले ही दिखाया था। अब इस पॉइंट से आपको 58 ऊपर जाना है। 58 हम हाफ डायमेंशन में बना रहे हैं तो इसलिए हम डिस्टेंस हाफ लेकर चल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस था हमारा 160, तो 160 का हाफ हुआ 58 और 58 का आधा हुआ 29। तो 29 यहाँ पे हमने मार्क किया, ये 29 मार्क किया और इसको एज अ लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये मार्क कर दिया। और इसी के नीचे फिर से इस सेंटर लाइन से फिर 28 नीचे हम एक लाइन मार्क करते हैं, ये मार्क किया हमने लाइन। जब ये दोनों मार्क कर लेंगे, उसके पश्चात 3 mm का हम गैस्केट लगाना था, मतलब 3 mm का इस सेंटर लाइन से 1.5 mm राइट और 1.5 mm लेफ्ट ले लीजिए। ये हमने मार्क किया था, ये पॉइंट मार्क किया था और 1.5 mm का ये गैस्केट लगा देते हैं। ये गैस्केट ऐसा कुछ होगा और इधर से 1.5 mm ये। जब ये गैस्केट लगा लेंगे, ये गैस्केट है हमारा, इस गैस्केट से पानी के लीकेज को रोका जाता है। अब इससे 25 mm ऊपर जाइए, इस पॉइंट से 25 mm ऊपर ये पॉइंट है। अब इसको आप राइट साइड में बढ़ा दीजिए ऐसे और लेफ्ट साइड में बढ़ा दीजिए। सेम नीचे भी इस सेंटर लाइन से 25 mm नीचे आइए और राइट और लेफ्ट बढ़ा दीजिए दोनों साइडों में। ये 25 mm ये बढ़ा दिया यहाँ से ये, ठीक। जब इतना आप कर लें तो ये जो पाइप था उसका इंटरनल डाया हो गया। अब इसकी कुछ थिकनेस होगी, वो थिकनेस ये हमने पहले पॉइंट लगाया था ये होगी। इसको आप मिला दीजिए सेम तरीके से, यहाँ पे भी मिलाएंगे, इधर भी राइट साइड में भी मिला दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए। देखिए हमने ये गैस्केट बना दिया, ये लाइन बना दी और ये लाइन बना दी, ये वाली और ये वाली बना दी। अब हमें ये और ये पोर्शन बनाना है, ये
और इसकी हाइट लेंगे और इसकी थिकनेस लेंगे। ये वाली लाइन भी हमने खींच दी थी और इस लाइन से ऊपर इसको बढ़ाना है, तब इसको बनाते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए इस सेंटर लाइन से ये जो गैस्केट लगाए थे इससे 12 राइट लेफ्ट ले लीजिए, 12 लेफ्ट लेकर जहाँ पे आएगा उससे ऊपर की तरफ बढ़ाइए। ऊपर की तरफ कितना बढ़ाएंगे? ऊपर की तरफ इस सेंटर लाइन से 56 बढ़ाएंगे, 56.25, इससे 56.25 यहाँ तक बढ़ाएंगे। ये बढ़ाया, सेम इस सेंटर लाइन से इससे 11 राइट लेंगे यहाँ पे, और इसको भी 56.25 ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, 56.25, और ये कुछ ऐसे आके मिल जाएगा। ये जो गैस्केट बना था ये गैस्केट ऊपर तक लगा रहेगा। ये गैस्केट रबड़ का होता है या फिर लेदर का होता है, ये यहाँ तक जाएगा। ये चीज़ नीचे की तरफ भी ये गैस्केट लगा रहेगा। देखिए ये पोर्शन हमने बना लिया, अब ये और ये पोर्शन जो है ये सेम इसी के पैरेलल नीचे तक है, इस सेंटर लाइन से ऊपर यहाँ तक है। देखिए ये 56 तक, यहाँ से यहाँ तक 56 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 56 था तो इसलिए ये भी होगा 56। अब ये पोर्शन बनाते हैं। उसको बनाने के लिए इस सेंटर लाइन से 11 राइट लेंगे और 56 ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ये 56 है, इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इसको इधर की तरफ बढ़ा देंगे। इसके पैरेलल फिर से इसके पैरेलल लेंगे और 56 नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे, और ये चूँकि आया ही है तो इसको इससे मिला देते हैं। ठीक, ये ऐसा बन गया। चूँकि ये गैसकेट और ऊपर तक आ रहा है तो इसको भी ऊपर तक बढ़ा दीजिए, गैसकेट को इसको भी बढ़ा दीजिए। गैसकेट चूँकि डार्क हो, ये ऐसा कुछ होता है डार्क, तो इसको डार्क कर देते हैं। ये गैसकेट है अपना, ये 3 mm का गैसकेट था, ये गैसकेट लगा था। यहाँ पे एक यहाँ पे बोल्ट लगा होगा, एक यहाँ पे, और 2 आमने सामने बोल्ट लगे होंगे, क्योंकि 4 बोल्ट लगे होते हैं इसमें टोटल। अब दूसरी चीज़ ये कि इस ये पाइप होता है, ये देखिए ये जो पाइप होता है दिखा रहे हैं आपको अभी, ये देखिए ये पाइप का ये जो पोर्शन है, ये पाइप नुमा शेप इसको बनाना है, तो ये ऊपर से लाकर नीचे यहाँ सेंटर तक ले जाना, इसको ऐसे करके कर्व देके यहाँ तक मिलाना है, तो वो चीज़ बनाते हैं। इसको लेके आइए ऐसे मिलाते हुए, ऐसे करिए, इसको ऐसे करते हुए ऐसे लाइए, ऐसे मिला दीजिए, इसको फिर से ऐसे करते हुए यूँ मिला दीजिए। सेम तरीके से इधर साइड में मिलाइए, इसको ऐसे लाइए, ऐसे ये लाइए, ऊपर की तरफ मिला दीजिए, फिर से ये लाइए और इसको ऐसे मिला दीजिए सेंटर लाइन तक। ये बन गया हमारा। अब बात करते हैं ये बोल्ट और इस बोल्ट की, और ये बीच में ये सेंटर वाली बोल्ट बनाने की, वो कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए उसकी डायमेंशन है, ये जो बोल्ट है ये 16 फाई का बोल्ट है, मतलब इसका जो डाया है वो 16 फाई का है, और इसका हेड हो जाएगा तो 16 का ये आएगा प्लस 8 ऊपर की तरफ और 8 नीचे की तरफ। ये कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये बोल्ट सबसे पहले बनाते हैं, सेम तरीके से नीचे वाला बोल्ट भी आप बना लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला एक बोल्ट बना, ये जो बोल्ट लगा हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर, वो उसका जो पिच सर्कल डाया था PCD, वो 175 PCD था, 175 का सर्कुलर पथ पे वो लगा हुआ था 4 बोल्ट, तो 175 का हाफ अगर लेते हैं, क्योंकि ये रेडियस लेंगे तो रेडियस हो जाएगा 87.5, तो इस पॉइंट से हम चूँकि हाफ डायमेंशन में ये सारी डिटेल बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 43.75। तो इस पॉइंट से मतलब ये सेंटर लाइन जो लिए थे इससे 47.35 ऊपर जाएंगे तो ये एक आएगा 47.35, ये आएगा, इसको हम एज ए सेंटर लाइन आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये जो सेंटर लाइन बना रहे हैं ये हमारे बोल्ट के लिए सेंटर लाइन होगा। सेम तरीके से नीचे भी सेंटर लाइन बनाएंगे, इससे 43.75 यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको बना देंगे हम सेंटर लाइन। ये जो दोनों सेंटर लाइन बनी है यहाँ पे एक एक बोल्ट बनेगा। अब बोल्ट, चूँकि बोल्ट का डाया था
16 तो हम उसको 8 लेकर बनाएंगे, यानी 4 इससे नीचे की तरफ और 4 बाहर की तरफ और इधर की तरफ 4, मतलब ये कि इस सेंटर लाइन से आप 4 नीचे आएंगे और एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन से फिर ऊपर जाएंगे और एक लाइन बनाएंगे 4, ये इससे ये 4 ले लेंगे, इससे यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस होगा, ये 4 डिस्टेंस होगा। अब इससे 4 नीचे की तरफ फिर से बढ़ेंगे, नीचे 4 आएंगे और एक लाइन खींच देंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से भी एक 4 ले लेंगे। जब ये कर लेंगे तो इसको आप ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये जो बोल्ट का हेड बन जाएगा ये ऐसे मिला देंगे, ये बोल्ट का हेड बन गया। दूसरी तरफ केवल लाइन बढ़ाते हैं, ये इसको ऐसे बढ़ाते हैं और इसको ऐसे ही मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे स्ट्रेट मिलाकर इसको हल्का सा कर्व दे देते हैं अंदर अंदर। एक तरफ से बोल्ट कसने के लिए होता है, दूसरी तरफ से बोल्ट का वो नॉर्मल हेड होता है। नीचे बनाते हैं बोल्ट तो अच्छे से समझ में आएगा। 4 mm का ये लीजिए, सबसे पहले काम, चूँकि हम हाफ सेक्शन बना रहे हैं, देखिए ये हाफ सेक्शन बना रहे हैं, ये सेंटर लाइन के ऊपर का हम सेक्शन करेंगे, नीचे का सेक्शन नहीं करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये सेंटर लाइन से 4 नीचे लीजिए और 4 राइट निकाल दीजिए और 4 लेफ्ट। सेम तरीके से ये लीजिए 4 इधर की तरफ और 4 राइट और 4 लेफ्ट, ये 4 राइट और 4 लेफ्ट और बीच का डिस्टेंस 8, यानी सेंटर लाइन ये जो लिए थे, इस सेंटर लाइन से 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। इधर की तरफ हम बोल्ट का दूसरा सिरा बनाएंगे तो 4 ये और 4 का ये, सेम इसके नीचे ये इसको बढ़ा दीजिए और इसके नीचे ये बढ़ा दीजिए, इसको आपस में ऐसे मिला दीजिए और इसको हल्का कर्व दे दीजिए कर्व से। यहाँ पे ये बोल्ट का हेड बनाना है तो हेड बनाते समय ऐसे बनाया जाता है हमेशा, ये चीज़ इसको आपस में मिला दीजिए। तो ये बोल्ट का हेड है, इसको और इसको इरेज कर लीजिए बीच वाले पोर्शन को, इस प्रकार ये बोल्ट बन जाएगा। अब देखिए हैचिंग लाइन अगर कर लेते हैं तो ये हमको क्लियर समझ में आने लगता है। हैचिंग लाइन किसको करनी है, इसकी हैचिंग लाइन करनी है, इसकी हैचिंग लाइन कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आने लगेगा कि हमने क्या बनाया है। हैचिंग लाइन हमेशा 45 डिग्री एंगल पर की जाती है, ये देखिए इसको हैचिंग लाइन कर लेते हैं, इस पोर्शन की भी हैचिंग लाइन करनी है। ये जो पाइप है इसकी भी हैचिंग लाइन करनी है, हम फ्री हैंडली कर दे रहे हैं कोई कोई हैचिंग लाइन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मिटाना है, इसको और इसको मिटाना है, इस प्रकार ये फ्लेंज बन गया। दूसरी चीज़, ये जितनी इंटरनल डाया है उतने पे ये डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। जब ये आपका बन जाए, इसके पश्चात एक बारीकी और छुट्टी है, वो क्या है, वो ये है, ये देखिए ये जो बोल्ट चौथा बोल्ट होगा, ये दोनों आमने सामने वाले बोल्ट होंगे, ये चीज़ ये फ्रंट से देखेंगे तो केवल ऊपर वाले बोल्ट दिखाई देंगे, ये आधे आधे दिखाई देंगे, तो ये आधी बोल्ट बनानी है हमको। आधी बोल्ट यहाँ पर बनेगा, आधे बोल्ट के लिए ये 4 राइट और 4 लेफ्ट लीजिएगा, इधर की तरफ ये जाएगा ऐसे और ये 4 ऐसे जाएगा, ये बनेगा बोल्ट। जब इतना बना लें उसके बाद हम बात करते हैं साइड व्यू बनाने की। ये तो फ्रंट व्यू रहा, इसका साइड व्यू बनाने के लिए सारे पोर्शन जितने भी होंगे वो सर्कुलर होंगे, तो सर्कुलर पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहला काम इस सेंटर लाइन पर रखते हैं अपना प्रकाल, और इसका जो अपर पॉइंट है, इस जो डायग्राम का अपर पॉइंट है उसको लेते हैं और उसको बनाते हैं। सबसे पहले उसको बनाने के लिए इसी सेंटर लाइन से सर्कल एक बना देते हैं। ये सर्कल जो बना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन गया। अब दूसरा सर्कल, ये जो बोल्ट वाला सर्कल था उसको बनाते हैं, उसको डॉटेड बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे बोल्ट बनाने हैं। तो इस सेंटर लाइन से इस ये जो सर्कल वाला पॉइंट था उसके लेते हैं और उसको बनाते हैं डॉटेड। डॉटेड ऐसे बनाएंगे, उसके पश्चात इसी सेंटर लाइन पर रखेंगे और ये जो पाइप का पोर्शन था उसको बनाएंगे, ये पाइप वाला अपर पाइप का जो ऊपरी सिरा था उसको बनाएंगे।
अब उसके बाद जो इसका आंतरिक व्यास है वहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ तक उसको बनाएंगे और इसको भी सर्कल बना देंगे। ठीक, जब इतना आप बना लें उसके पश्चात आता है बोल्ट बनाने के लिए। बोल्ट बनाने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन था और इसके सेंटर पॉइंट से, इस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था इसी के सेंटर पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन ये खींचा, वर्टिकल वो भी सेंटर लाइन ही होगा। जब वर्टिकल सेंटर लाइन खींच लें उसके पश्चात हम एक बोल्ट बनाना सिखा रहे हैं आपको, कैसे बोल्ट बनाते हैं। बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है, इस पॉइंट को जितना बोल्ट का रेडियस है उतने का एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहला है बोल्ट का हेड बनाने के लिए ये हेक्सागोनल बनाना पड़ेगा हमको। उसके लिए इस पॉइंट से इसके अपर पॉइंट तक रखिए, डिस्टेंस मेजर कीजिए या फिर बोल्ट का जितना डाया दिया था वो लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल बना दिया, जब ये सर्कल बन जाए उसके पश्चात आप ड्राफ्टर लीजिए और जितने पॉइंट हैं उन सबको प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये पहला पॉइंट ये इस पॉइंट पर आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, चौथा पॉइंट ये और ये आएगा, पांचवा ये ले लीजिए। अब इन सबको आपस में मिला दीजिए तो ये एक हेक्सागोनल शेप बनाएंगे। हेक्सागोनल शेप ये कुछ ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ मिलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अब जब ये बन जाए उसके बाद इसके अंतःस्पर्शी एक सर्कल बना दीजिए, अंतःस्पर्शी सर्कल बना दीजिए। उसके पश्चात इसका जितना डाया है उतने का एक सर्कल बना दीजिए। इस प्रकार ये बोल्ट बनेगा। दूसरा यहाँ पर बना के हम फ्री हैंड समझाते हैं आपको। इसको बनाने के लिए एक सबसे पहला जितना ये डाया था उतने डाया का एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बनाया, उसके पश्चात इसके जितने पॉइंट हैं उसको हेक्सागोनल बनाएंगे यहाँ पर। तो हेक्सागोनल में बनाने के लिए हमें पॉइंट ऐसे मिलेंगे कुछ, इन पॉइंटों को आपस में ऐसे वर्टिकल वर्टिकल मिला दीजिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब इसके अंतःस्पर्शी एक सर्कल बना दीजिए और ये जो बाहर वाला सर्कल बनाया था उसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए। ये और ये जो सर्कल होगा वो बोल्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग होगा। इस प्रकार ये हमारा जो होगा वो बोल्ट बन जाएगा, हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट बनाने के लिए हमने इससे पहले वीडियो में भी अपलोड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कैसे बनाते हैं हेक्सागोनल बोल्ट। उसमें अच्छे से आपको समझाया गया क्योंकि वो बेसिकली हेक्सागोनल बोल्ट का हेड बनाने के लिए ही वो वीडियो बनाई गई थी। अब दूसरी चीज़ इसमें हैचिंग लाइन कर लेते हैं। हैचिंग लाइन किस पोर्शन का करेंगे, केवल ये जो पाइप का है उसका, बाकी किसी का नहीं। हैचिंग लाइन कितने पे करते हैं, 45 डिग्री पे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा पूरा वीडियो को देखा करिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। हर टाइप के जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे उपलब्ध हैं पहले से ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका वीडियो अपलोड जल्द से जल्द कर देंगे। ये देखिए, जब इतना आप कर लें तो इस प्रकार ये बन गया। अब बचा क्या, डायमेंशन कैसे शो की जाती है, वो डायमेंशनिंग देख लेते हैं। डायमेंशन सबसे पहला चीज़ इसको शो करना है, ये डायमेंशन, ये जो इंटरनल इसका रेडियस होगा वो रेडियस या डायमीटर होगा वो, ये चूँकि हमने ये हाफ डायमेंशन में बनाई है लेकिन हम डायमेंशन जो शो करते हैं वो ओरिजिनल डायमेंशन ही शो करते हैं। हमने इसको पेपर पे हाफ डायमेंशन बनाया है और इसका ओरिजिनल डायमेंशन इसके डबल था, तो डबल था तो उसका हम हाफ करेंगे तो हाफ लिखेंगे नहीं लेकिन करके बस बना देते हैं और लिखते फुल डायमेंशन है। तो 116 ये फाइव था, ये इंटरनल आया था इसका, सॉरी ये 100 था, सॉरी गलती हो गई, ये 100 था। ये जो एक्सटर्नल वाला था ये वाला डाया, ये जो पोर्शन था ये था 116 का, 5160 का, ये 100 का था और ये 160 का था। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक था इसको राइट की तरफ बढ़ा लेते हैं लाइन को, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ये था 175, सॉरी
ये था 225 का, ये 225 का पूरा यहाँ से यहाँ तक था, मतलब ये जो सर्कल बड़ा वाला बनाया था ये 225 225 का था, ये बना लिया। उसके पश्चात ये इसकी जो थिकनेस थी ये 12 थी, ये भी 12 थी, सॉरी 22 इधर और 22 इधर। ये जो फ्लेंज पहला फ्लेंज का जो थिकनेस है वो 22 है, सेकंड फ्लेंज का 22 है, बीच में जो गैस्केट लगाए थे इसका जो थिकनेस था वो 3 mm का था, ये जो गैस्केट था ये 3 का था। इसको भी दिखा देते हैं एरो से, ये गैस्केट 3 mm का था। इसके पश्चात ये जो बोल्ट बनाए थे इसका स्पेसिफिकेशन था 4 bolts थे 516 के, मतलब 4 bolts 516। इसका जो रेडियस था या बोल्ट लगे कितने पे थे वो लगे हुए थे ऑन 175 PCD। ये जो PCD लिखा हुआ है इसका मतलब पिच सर्कल डाया, पिच सर्कल डाया मतलब ये समझ लीजिए कि जो बोल्ट के सेंटर से जा रहा है उस डाया को पिच सर्कल डाया कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और इस प्रकार ये जो हमारा फ्लेंज कपलिंग है वो बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर भी करें।